लैपटॉप को थाई पर रखकर प्रयोग करने से क्या वेरिकोसील हो सकता है? ये प्रश्न हमारे ही एक पेशेंट ने हमारे डॉक्टर से पूछा था, इसलिए आज मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो इस सवाल का जवाब है नहीं, आपके लैपटॉप के थाई पर रखने से, काम करने से वेरिकोसील नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से लो स्पर्म काउंट की समस्या या आगे चलकर पुरुष बांझपन यानी मेल इनफर्टिलिटी का सामना आपको करना पड़ सकता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आप इसको समझिए। असल में जब कोई भी व्यक्ति लैपटॉप को थाइस पर रख के काम करना शुरू करता है और वो काफी देर तक काम करता है, तो जो उसमें से हीट निकलती है वो हीट आपके टेस्टिकल्स के टेम्परेचर को बढ़ा देती है, और हमारे टेस्टिकल्स अपना एक टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं जिसकी वजह से उनका फंक्शन बहुत अच्छे से चल पाता है। अगर वो फंक्शन ठीक से नहीं होता है तो दिक्कत आपके टेस्टिकल्स के सभी फंक्शंस में आती है, यानी टेस्टिकल्स जब आपका स्पर्म प्रोडक्शन कर रहे होते हैं उसमें दिक्कत आती है, साथ ही साथ जो स्पर्म की क्वालिटी होती है यानी उसकी मोर्टिलिटी, उसकी मॉर्फोलॉजी, उसको भी नुकसान पहुंचता है। इसीलिए खास तौर पर अगर आपने कभी देखा हो, सुना हो, या कोई आपके जान पहचान में हो जिसको स्पर्म से जुड़ी कोई समस्या हो, तो डॉक्टर्स उन्हें एडवाइज एक चीज़ की करते हैं कि अगर आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर काफ़ी बढ़ा हुआ है तो आप अपने आप को बढ़े हुए टेम्परेचर से बचाएं, कोशिश करें ज़्यादा धूप में ना जाएं ताकि आपके बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहे और आपके टेस्टिकल्स का भी टेम्परेचर नॉर्मल रहे ताकि उनकी फंक्शनिंग में सुधार लाया जा सके। क्योंकि अगर टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहता है तो आपके स्पर्म की क्वालिटी खराब होना निश्चित होती है, तो इस वजह से हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। लेकिन जब आप लैपटॉप का प्रयोग कर रहे होते हैं थाई पर रखकर काफ़ी देर तक, तो आपको पता नहीं चल रहा होता कि आप अपने स्पर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो लो स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है उसका सामना आपको करना पड़ सकता है सिर्फ इस एक नादानी की वजह से। तो अगर आप लैपटॉप को अपनी थाई पर रखकर प्रयोग करते हैं तो आज से ही उसे बंद कर दीजिए, या अगर आपके कोई जानने पहचानने वाला करता है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि आप अपने पुरुष जीवन को स्वस्थ और हेल्दी बना पाए। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक जरूर करें। ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।